नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RBS वित्तीय HSM के अंदर। देखिए, इससे पहले भी हमने कई वीडियो अपलोड किए जिनके अंदर हमने समांतर माध्य ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना और माध्य ज्ञात करना और बहुलक ज्ञात करना काफ़ी समझा कर वीडियो हमने अपलोड ही कर दिया उनके अंदर। अब जो आज का हमारा नया टॉपिक है वो कक्षा टेंथ में दे रखा है। देखो, कक्षा टेंथ में टॉपिक दे रखा है, कक्षा टेंथ में विषय गणित हमारे पास ही, और उसमें 17.8 का टॉपिक है हमारे पास। टॉपिक का नाम है बहुलक ज्ञात करना। क्या हमारे पास ही? बहुलक ही ज्ञात करना। अब बहुलक जो ज्ञात किए जाते हैं, देखिए बहुलक जो ज्ञात किए जाते हैं वो दो प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। एक तो हमारे पास बहुलक में देखो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। पहला आंकड़े हमारे पास ही अवर्गीकृत आंकड़े, ठीक है। एक तो अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, ठीक है, और दूसरे हमारे पास होते हैं वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। इन दोनों को बहुलक ज्ञात किया जाता है, ठीक है। क्या ज्ञात करते किया जाता है? बहुलक। और इनका बहुलक ज्ञात करना बिल्कुल आसान और ईजी है, मैं आपको इन वीडियो में समझा रहा हूँ, ठीक है। और इन वीडियोस के अंदर, पहले वीडियो में देखो मैं आपको अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना सिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है बिल्कुल आसान तरीके से। और फिर दूसरे वीडियो के अंदर मैं आपको वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक के सूत्र के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है वो सिखाऊंगा आपको। तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझते रहिए। पहला जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक यही है कि अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास आंकड़े, जैसे आपके पास है, एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास है 2, 4, 6, ठीक है, फिर 2, 3, 6, 2, ये आंकड़े हमारे पास। इन आंकड़ों को आपको ज्ञात करना है बहुलक, कि इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक बिल्कुल आसान है। बहुलक जो शब्द है उसका अर्थ होता है कि जो राशि सबसे अधिकतम बार आई हो या सबसे अधिक बार आई हो वही उन आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। अब इसमें देखिए, दो है हमारे पास, ठीक है, 2, फिर 2, फिर 2। इसमें देखो 2 जो है ना वो 3 बार आया है। 2 कितनी बार आया? 3 बार। देखो 1 बार 2 यहाँ आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, बाकी 4 एक बार आया हमारे पास, 6 2 बार आया हमारे पास, और 3 1 बार आया। तो ये जो हमारे पास आंकड़े हैं, इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा, इन आंकड़ों का, इन आंकड़ों का बहुलक, इन आंकड़ों का बहुलक हमारे पास ही 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन आंकड़ों के अंदर 2 हमारे पास अधिकतम बार आया है, या 2 की बारंबारता सबसे अधिक है। देखो 2 की बारंबारता 1 यहाँ पर, फिर 2 और 3। 2 की जो बारंबारता हमारे पास कितनी है? 2 की बारंबारता हमारे पास 3 है, जो सबसे ज़्यादा है। अतः इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास ही? ये 2 हो जाएगा। अब आपकी बुक के ही हम क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो आपको ज़्यादा समझने में। आपकी बुक के एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वेश्चन जो भी हमारे पास ही। 17.8 है हमारे पास ही, और 17.8 के अंदर देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। 17.8 है, ठीक है, और 17.8 के अंदर क्वेश्चन नंबर एक है। उसके अंदर देखो फर्स्ट क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर एक में फर्स्ट हमारे पास है 2, 5, 7, 5, 3, हमें दे रखा है 2, 2, 5, 7, 3, फिर दे रखा है 1, 5, 8, 7 और 5, ठीक है, 2, 5, 7, 3, 1, 5, 8, 7, 5।
अब ये आंकड़े हमारे पास, ठीक है, इन आंकड़ों का आपको क्या ज्ञात करना है, इन आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है, जो बिल्कुल आसान है ज्ञात करना। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना बिल्कुल ही आसान है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो इन आंकड़ों में देखो दो कितनी बार आए, दो एक बार आए, ठीक है, पाँच कितनी बार आए, पाँच देखो यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, यानी तीन बार आए। फिर सात कितनी बार आए, सात दो बार आए, तीन, तीन कितनी बार आए, एक बार आए, एक एक बार आए, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो पाँच आ रहा है, क्या रहा है हमारे पास ही, पाँच। तो इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा हमारे पास ही पाँच हो जाएगा, ठीक है, यानी पाँच क्या लिखेंगे, चूँकि पाँच की बारंबारता, बारंबारता, पाँच की बारंबारता सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, इसीलिए इन आंकड़ों का, इन आंकड़ों का बहुलक, इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, पाँच होगा। बिल्कुल आसान हो रही है, देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर एक है, पहले का फर्स्ट है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, ईजी है। आगे के जो सवाल है उनमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि जो राशि सबसे ज़्यादा बार आई है हमारे पास, ठीक है, उसकी बारंबारता देख लेंगे, ठीक है, बारंबारता देख लेंगे कितनी बार आई है, मतलब वो सबसे ज़्यादा बार आना चाहिए हमारे पास। अब इन आंकड़ों के अंदर देखो, दो एक बार आ रहा है, पाँच तीन बार आ रहा है, सात एक दो बार आ रहा है, तीन एक बार आ रहा है, एक एक बार आ रहा है, ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो पाँच आ रहा है। तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, इन आंकड़ों का बहुलक हमारे पास ही पाँच ही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन और है, आपकी बुक का ही सवाल है। जैसे मान लीजिए आपके पास है दो चार छः, जो है दो सेकंड है, ठीक है, पहले का सेकंड, हमारे पास है दो पाँच सात, सॉरी हमारे पास है दो चार छः, दो चार छः, फिर दे रखा है दो छः छः, दो छः छः, फिर सात आठ, फिर दे रखा है हमें सात और आठ। आपको इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो बिल्कुल आसान है, यहाँ देखो जो छः ना हमारे पास, वो तीन बार आ रहा है, छः कितनी बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, ठीक है भाई, दो है वो दो बार आ रहा है, चार एक बार आ रहा है, ठीक है, और सात एक बार आ रहा है, आठ भी एक बार आ रहा है। जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो कौन आ रहा है, हमारे पास छः आ रहा है, ठीक है। तो इनका जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास ही, इनका बहुलक हमारे पास ही छः हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा, छः, यानी साधारण स्पष्ट शब्दों में इसको समझा जाए तो क्या कहा जाएगा कि अगर आपको कोई आंकड़े दे रखे और उन आंकड़ों के अंदर या राशियों के अंदर जो संख्या सबसे अधिक बार आई है, ठीक है, अधिकतम बार आई है या अधिक बार आई है, ठीक है, तो वही राशि उन आंकड़ों का बहुलक होगा, ठीक है। अब एक सारणी वाला सवाल भी समझ लेते हैं हम, अगर कोई सारणी दे दे आपको, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपके पास, जैसे आपके पास आ जाए x का मान दे दे, ठीक है, यूँ दे दे, देखो ये तो x के रूप में और ये f के रूप में, ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो ध्यान देना इसके अंदर हमारे पास जैसे तीन चार पाँच, तीन चार पाँच, फिर छः सात आठ, छः सात और आठ, ठीक है, फिर इनके सामने इनकी बारंबारता दे रखी है हमें दो चार छः, दो चार छः, तीन दो एक, तीन दो एक। तो बिल्कुल आसान और ईजी सवाल है, जब भी ऐसे सवाल रहेंगे हमारे पास, और इन सवालों का जब भी आपको, इन सवालों का जब भी आपको बहुलक ज्ञात करना होगा, तो बिल्कुल आसान है कि
ये तो हमारे पास आंकड़े, ये जो एक्स है ना हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो क्या है हमारे पास आंकड़े राशियां है, ठीक है। और ये जो एफ का मान दे रखा है, इन आंकड़ों की बारंबारता है कि 3 कितनी बार आए 2 बार, 4 कितनी बार है 4 बार, 5 कितनी बार है 6 बार, 6 कितनी बार है 3 बार, 7 कितनी बार है 2 बार, 8 कितनी बार है 1 बार। तो बिल्कुल आसान है, सबसे ज़्यादा बारंबारता देख लेंगे, सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है 6, सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या हमारे पास 6। और ये जो 6 बारंबारता है किस आंकड़े की है, 5 की है, किसकी है 5 की। तो क्या लिखेंगे, चूँकि इन आंकड़ों में इन आंकड़ों या राशियों में ठीक है 5 की बारंबारता सर्वाधिक क्या है हमारे पास है 6, सर्वाधिक क्या है 6। अतः बहुलक क्या होगा, अतः इन आंकड़ों का बहुलक जो होगा वो 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, और यही उत्तर भी निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल आसान और इजी है। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हो या हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, ठीक है, और हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिए, और नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, ठीक है, उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आप लोग हमारी निःशुल्क कोचिंग का फ़ायदा उठा सके। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।